पूछता हूँ। नमस्कार, मैं बेंजो मेकर अशोक भाई पटेल, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है कि बेंजो में सुर मंडल कैसे लगाएं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलो सीखते हैं बेंजो में सुर मंडल कैसे लगाएं, सुर मंडल का तार कैसे सेटिंग करें। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसा आप एल टाइप का एल्यूमिनियम का पट्टी ले लेने का। ये पट्टी बड़ा है, 11 सुर मंडल का, 11 तार का सुर मंडल का है, लंबा है। आप 8 तार के लिए 20 सेंटीमीटर का पट्टी ले सकते हैं, ऐसा पट्टी 20 सेंटीमीटर का आप पट्टी ले सकते हैं। और उसके 8 खांचा गिराना पड़ता है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 तार के लिए 8 खांचा, 2 mm का खांचा गिराना पड़ता है। तो सबसे पहले इधर से 1 सेंटीमीटर छोड़ के पहला खांचा गिराने का, फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ के दूसरा, फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ के तीसरा खांचा, फिर 3 सेंटीमीटर छोड़ के चौथा खांचा, फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ के पांचवा, फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ के छठा, फिर 3 सेंटीमीटर छोड़ के सातवां, और फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ के आठवां खांचा गिरा लेंगे। और 20 सेंटीमीटर का पट्टी है, ऐसा तिरछा लगाने का है। तो ये बॉर्डर है, बॉर्डर से आधा सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ लगा सकते हैं तिरछा। और ये भाग ये लंबा है, तो ये वाला भाग यहाँ से जो स्वर पट्टी आता है वहाँ से 3 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ आएगा। ये पट्टी लंबा है तो छोटा पट्टी आएगा तो यहाँ रहेगा। तो स्वर पट्टी के सटा के आप ऐसे तीसरा अरे तीसरा पट्टी लगा लेने का, 3 इंच छोड़ के वहाँ से सटा के तीसरा पट्टी लगा लेने का। और फिर दोस्तों ये ब्रिज, सूर्यमंडल का ब्रिज, यहाँ से 2 इंच छोड़ के स्प्रिंग होल्डर से 2 इंच छोड़ के आप ये ब्रिज लगा लेने का। और इसके बाद 8 तार, ये 8 तार, पहला तार पहले खांचा में आएगा, ये वाला लास्ट वाला पहले खांचा में, उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर रहेगा लगभग। और ऐसे खांचा में लगा के यहाँ बटन पट्टी अरे चावी में फंसा देने का, 8वें तार को 8 तार लगा के दूसरा खांचा में दूसरा तार, तीसरा खांचा में तीसरा तार, ऐसे सभी तार लगा के आप चावी में फंसा देने का। और इसके बाद ये पट्टी आता है, ये पट्टी को सुर पट्टी है, फिर बाद पहले नहीं लगाने का, ये मेरा लगाया हुआ है इसलिए आपको बताने के लिए बोलता हूँ। सुर पट्टी पहले निकाल के फिर तार सब लगाने का, 8वें तार, और फिर तार लूज रखने का, पहले टाइट नहीं करने का तार को। तो फिर उसको बटन पट्टी सुर पट्टी लगा के उसमें स्क्रू लगा लेने का, फिर जो बटन पट्टी के नीचे आपका तार के लिए खांचा रहता है उसको सही ढंग से खांचा करने के लिए अपन मार्क लेना पड़ता है। तो पहले जो तार आता है वो तार के ऊपर ही ये स्वर पट्टी पर मार्किंग कर लेने का, जो तार में जो तार इन होता है सुर पट्टी से नीचे से वहाँ मार्क कर लेने का। और जहाँ आउट होता है दोस्तों, ये तार वहाँ आउट होता है
तो यहाँ भी मार्क कर लेने का, आउट वाला और इन वाला दोनों मार्क कर लेने का। जैसे कि मैं बता रहा हूँ इस पट्टी में आप देख सकते हैं, इस पट्टी है तो ये तार यहाँ आया, इन हुआ बराबर, इसके नीचे से इन हुआ और यहाँ आउट, आउट यहाँ से हुआ ये तार चाबी में। तो ऐसे उसका मार्क कर लेने का, यहाँ से मार्क कर लेने का, फिर दोनों मार्क आप मार्क पेन से ऐसे मार्क कर लेने का, ये मार्क से ये मार्क कर, इन वाला और आउट वाला मार्क से, फिर इसमें ऐसे खांचा गिरा लेने का, हल्का सा खांचा गिरा लेने का, आधा एमएम थोड़ा चौड़ा, आधा एमएम ऐसा खांचा गिरा लेने का, सभी आठों तार का, आठे आठ तार को ऐसी तरह से प्रसार करने के लिए खांचा गिरा लेने का, मार्किंग कर लेने का, तो सही ढंग से सभी तार का खांचा सही ढंग से आए, ऐसा मार्किंग करके आप आठों तार के लिए खांचा गिरा लेने का। अगर खांचा नहीं रहेगा तो तार फिर ट्यूनिंग करते समय लूज नहीं, आगे पीछे तार नहीं हो सकता है, वो प्रेस पट्टी स्लू पट्टी प्रेस होने से तार को आगे पीछे होने में तकलीफ न होना चाहिए, आराम से ट्यूनिंग हो, सही ढंग से हो, खांचा होगा तो खांचा ऐसे गिरा लेने का दोस्तों। और इसके बाद ये लास्ट वाला तार है, उसका लंबाई है खांचा पर 26 सेंटीमीटर आएगा और ये वाला 40 सेंटीमीटर। दोस्तों लंबाई एक आध सेंटीमीटर आगे पीछे होगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो ट्यूनिंग चाबी से ट्यूनिंग हो जाता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।